वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस आस्क बाय द बिजनेस एनालिस्ट एस्पिरेंट्स इज कि मेरे पास एमबीए नहीं है तो क्या मैं बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूँ। दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन एंड बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो अगर आपके पास मैनेजमेंट डिग्री या फिर एमबीए नहीं है। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट थिंग इज कि टेक्निकल डिग्री और मैनेजमेंट डिग्री जो होती है ना उसको प्रेफरेंस मिलती है। नाउ लेट्स से बड़े बड़े जो कंपनीज रहती है या फिर एमएनसीज रहती है, अगर आप जाओगे लिंक्डइन पे या फिर नौकरी पे एंड आप सर्च करोगे बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो टीसीएस या फिर जो एमएनसी से बड़ी बड़ी उसके रिक्वायरमेंट में आपको एमबीए दिखेगा या फिर दिखेगा कि टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, राइट। जैसे कि बीटेक हो गया, सो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, ये आईटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर रहेगा तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि बस मैनेजमेंट एंड बस आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री होगी तभी जाके आप बीए बन सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं इन माय करियर इटसेल्फ कि जो बीएससी करके आए हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड में से, आर्ट्स बैकग्राउंड में से आके बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हैं, अच्छे लेवल पे बन रहे हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि आपके पास एमबीए होना ही चाहिए, बट प्रेफरेंस दिया जाता है टू मैनेजमेंट एंड टेक्निकल ग्रेड्स। ऑल्सो जो टॉप आईटी फर्म्स है या फिर टॉप कंसल्टिंग फर्म्स है जैसे कि मैकेंजी हो गए, बेन हो गए, डेलॉयट हो गए, इन लोगों को जनरली लगता है कि वो लोग क्राइटेरिया ही रखते हैं कि आपके पास एमबीए होना चाहिए तभी जाके आप इंटरव्यू अप्लाई कर सकते हो। सो इन दैट केस जो बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है उनमें आपको प्रॉबेबली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट ही रहता है। बट ऐसा नहीं है, दैट इज जस्ट 10-20%। बहुत सारी कंपनीज है, इनफैक्ट एवरी कंपनी नीड्स अ बीए। सो बाकी के जो अपॉर्चुनिटीज बनते हैं वहां पे तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। थर्ड थिंग मैटर्स इज की जो सैलरी है ना, सैलरी भी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर रहता है। लाइक आपने अगर एमबीए करा है, बीटेक करा है, तो प्रॉबेबली आपको थोड़ा सैलरी ज्यादा मिलेगा। बट अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड में हो, बीएससी करा है और जाके आप बीए बन रहे हो, तो चांसेस है कि आपको थोड़ा कम पैकेज मिल सकता है कंपेयर टू द टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट ग्रेड। सो दिस इज वॉट मेक्स द डिफरेंस, राइट। आप अगर बी ए बनना चाहते हो तो ये डिफरेंस है कि अगर आप एम बी ए करके आते हो तो आपको थोड़ा एडवांटेज है, अगर आप एम बी ए करके नहीं आते हो तो आपको थोड़ा डिसएडवांटेज नहीं बोल सकता, बट कहीं ना कहीं उतना ज्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। बट आप बी ए जरूर बन सकते हो। सो जो एंड आंसर जो रहेगा दैट इज की विदाउट एम बी ए में बी ए बन सकता हो, डेफिनेटली येस आप बन सकते हो, बिकॉज ये पर्टिकुलर जॉब रोल में एजुकेशन क्राइटेरिया को नहीं बल्कि स्किल सेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो अगर आपके पास स्किल सेट्स है, जो भी नेसेसरी बीए के लिए स्किल सेट्स लगते हैं, अगर आपको नहीं है पता कौन से स्किल सेट्स लगते हैं तो हमारे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड, जस्ट गो एंड वॉच इट आउट। मैं लिंक आपको आई बटन में जरूर दे दूंगा, जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, बिकॉज आपको हेल्प हो जाएगा आपकी बिजनेस एनालिस्ट करियर में। सो अगर आप स्किल्ड बिजनेस एनालिस्ट हो, अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है तो आप इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करोगे एंड डजंट मैटर कौन से एजुकेशन क्राइटेरिया से हो, आपके पास बीटेक हो नहीं हो, आपको बिजनेस एनालिस्ट बनने का मौका मिलेगा एंड दैट्स हाउ योर बिजनेस एनालिस्ट जर्नी विल स्टार्ट, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है एजुकेशन बैकग्राउंड के रिलेटेड, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फोकस ऑन स्किल्स एंड गेट स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है, अगर आपको मुझसे वन टू वन बात करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, जस्ट आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा। टॉपमेट में स्लॉट बुक करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।